सम्मेलन में मैं समीर और इस्माइल आसिक चकाला म्युनिसिपल उर्दू स्कूल के तालिबा आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। एक ऐसी मशीन की इजाद की कहानी जो आज मम्मी की, पापा की, भैया की, दीदी की, टीचर की, यहाँ तक के हम बच्चों की भी जरूरत बन गई है। पहचाने हम किस मशीन की बात कर रहे हैं? नहीं पहचाने कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोबाइल की। थैंक्स मोबाइल, अगर कोविड के इस दौर में तुम ना होते तो हमारे तालीम का क्या होता? ऑनलाइन तालीम किस तरह हासिल करते? इसने दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक मोबाइल से हर कोई अनजान था। किसी ने सोचा भी ना था कि मोबाइल के जरिए से हम अपने सारे काम घर बैठे कर सकते हैं। आज आपको बताता हूँ कि किस तरह मोबाइल तक पहुँचे। आज से लगभग 100 साल पहले इंग्लिस्तान के एक साइंसदान ग्राम बेल ने टेलीफोन इजाद किया। इस इजाद से पहले एक मजेदार वाक्या हुआ था। स्टार्ट। ग्राम बेल ने देखा कि एक लड़का अपने मकान के पहले मंजिले पर खड़ा खिड़की में खड़ा है और उसके मुंह से एक डब्बा लगा हुआ है। डब्बे के पेंदे से बंधा धागा निकलकर खिड़की खड़े हुए दूसरे लड़के डब्बे से जुड़ा हुआ है। दूसरे लड़के ने अपना डब्बा कान से लगा रखा है। ग्राम बेल ने देखा कि ऊपर वाला लड़का कुछ बोल रहा है और नीचे वाला लड़का डब्बे को कान से लगाकर उसकी बात सुन रहा है। कुछ फिर नीचे वाले खड़े हुए लड़के ने डब्बे को कुछ कहना शुरू किया और ऊपर वाले लड़के ने अपना डब्बा कान से लगा कर उसकी बात सुना। बातचीत का ये खेल देखकर ग्राम बेल ने ये सोचा कि ऐसी मशीन बनानी चाहिए जिसके जरिए दूर बैठे हुए लोग आपस में बात कर सके। इसने बहुत दिनों तक इस काम पर मेहनत की। आखिर के तारों को जोड़कर एक दिन उसने वो चीज बना ली जिसे हम टेलीफोन कहते हैं। टेलीफोन से लोगों की जिंदगी में बहुत बदलाव आया। घंटों के काम मिनटों में होने लगे। वक्त के साथ साथ टेलीफोन ने भी तरक्की की। संस्था और साइंटिस्ट